नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त दीपक उत्तर प्रदेश यूपी बलिया रेलवे स्टेशन से की बड़ी खबर। दोस्तों, बलिया के जनता ने किस ट्रेन को चलाने को लेकर बनारस रेल मंडल DRM को पत्र लिखा और जनता का क्या कहना है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बलिया के रेलवे स्टेशन ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी बता दें कि उत्तर प्रदेश यूपी बलिया रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था। और आप सभी को बता दें कि दोस्तों, पिछले 11 महीने से बलिया वाराणसी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पिछले 11 महीने से बंद होने के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मार्च 2020 से ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रेनों का परिचालन सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। बाद में कुछ मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का कोविड स्पेशल के नाम पर चलाया जा रहा था, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अभी भी पूरी तरह बंद है। जी हाँ, आज है 25 जनवरी 2021, लेकिन दोस्तों आज आपको बता दें, आज भी बलिया से छपरा की लाइन और गाजीपुर बनारस के रूट में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें अभी भी बंद है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दें, फ्लॉ स्वरूप जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिवक्ता, व्यापारी आदि सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर है। जी हाँ, यानी कि आम जनता, भाई बंधु, माताएं बहनें सड़क मार्ग बस से यात्रा करने पर मजबूर हो। तो वैसे मैं आप सभी को बता दें कि बसों का किराया बढ़ने से लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क परिवहन में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ता है तो ट्रेन का परिचालन में कोरोना संक्रमण कैसे बढ़ता है। जी हाँ, जनता का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण बसों में नहीं है तो फिर ट्रेन में कैसे बढ़ता है। इसलिए पैसेंजर ट्रेनों को चलाने को लेकर अति आवश्यकता है। इस बात पर व्यापार मंडल रानीगंज के नेता रोशन गुप्ता, शिक्षा मित्र वेलफेयर के नेता पंकज सिंह सहित कई लोगों ने DRM वाराणसी को पत्र भेजकर ट्रेनों को परिचालन शुरू कराने का आग्रह किया है। अब दोस्तों, देखना ये बलिया छपरा वाराणसी गाजीपुर के रूट में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कब से स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई पैसेंजर ट्रेन का संचालन स्टार्ट किया जाएगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर चैनल पे नए हो तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।